हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। दोस्तों, बिग अनाउंसमेंट है मेरे तरफ से, मिशन दिसंबर 2020। ठीक है, मिशन दिसंबर 2020, ऑब्वियसली सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड एंड न्यू सिलेबस दिसंबर 2020। ठीक है, तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स मैं लेने वाला हूं, जो अभी एज ऑफ नाउ एज आई स्टैंड इन दिस वीडियो आई हैव प्लान एंड आई एम कमिटेड, मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूं। पर ऐसा नहीं है कि बस इतना ही हम करने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो माइट भी बाद में क्लिक हों, स्टूडेंट्स बाद में रिक्वेस्ट करें और हमारा टाइम भी अगर हो जाता है तो माइट भी और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट एज ऑफ नाउ वी आर प्री डिसाइडिंग दीज थिंग्स, और ये हमारे लिए टारगेट्स होंगे कि हमको एटलीस्ट इतनी चीज़ें आपके लिए करनी है। ठीक है, तो बता इसीलिए रहे ताकि आप भी इन्फॉर्म्ड रहो कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो क्या क्या लाने वाले, आ रहे ख्याल में, तो आप रिलाई कर सको। बेसिकली इट्स फॉर कि आप रिलाई करो, क्योंकि आज सप्लाई एबंडेंस में आपको बताई है, जगह जगह नोट्स, जगह जगह चीज़ें हैं, तो एबंडेंस से भी नुकसान होता है, ये भी प्रॉब्लम है। सप्लाई ज़्यादा होने से भी नुकसान हो रहा है, लोग सबको फॉलो कर रहे हैं और दे आर एंडिंग अप रीचिंग नो वेयर। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर जो जो इनिशिएटिव मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऑलरेडी किसी का उस टाइप का सिमिलर इनिशिएटिव फॉलो कर रहे हो तो ये आप मत करो। मैं नहीं चाहता कि आप मिक्सअप कर दो, ठीक है, मेरा वैसा इंटेंशन नहीं है। और अगर आप कोई और फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप हमारा इनिशिएटिव फॉलो कर सकते हो, और एक कमिटमेंट आपसे लगेगी कि अगर आप हमारा इनिशिएटिव फॉलो कर रहे हो तो फिर किसी और का मत करो। मतलब एक ही टीचर का या एक ही फैकल्टी का, एक ही जो भी है क्लासेस का, आप इनिशिएटिव फॉलो करो और वो इनफ होता है पास होने के लिए। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें मत करो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, सब कुछ बटोरने के चक्कर में आपको कुछ भी हाथ में बचेगा नहीं, आ रहा है ख्याल में। तो बस यही एक कमिटमेंट, यही एक समझदारी मैं आपसे चाहता हूं। ठीक है, चलिए, तो क्या है मिशन दिसंबर 2020 और मैं इसमें क्या करने वाला हूं। चलिए, सबसे पहला जो मैं लेने वाला हूं, दैट इज डेली टारगेट्स, जो काफी बच्चे वेट कर रहे हैं और काफी समय से मुझसे पूछ भी रहे हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स कि सर आप कब स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, तो यस, डेली टारगेट्स आर स्टार्टिंग एंड दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st August, यानी कि कल से ही ये स्टार्ट होंगे और तकरीबन 3 महीने ये चलने वाले। ठीक है, 2.5 से 3 महीने ये चलेंगे, 2.5 महीने तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स चलेंगे, और 2.5 महीने के बाद एक एक करके अलग अलग डेट्स पे एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएगा, और ऑलमोस्ट बाय अक्टूबर एंड, 30th October या 31st October तक ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 महीने तकरीबन वो चलने वाले हैं, तो कमिटमेंट है, 3 मंथ्स मतलब कमिटमेंट है कि 3 महीने आपको हमारे साथ साथ रोज पढ़ना पड़ेगा। काफी बच्चे क्या करते हैं, नया नया है, चलो देखते हैं क्या है, 6-7 दिन पढ़ेंगे फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो ऐसा मत करो, करना है तो अच्छे से करो, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड करो, और उसका आउटपुट आपको पूरा फॉलो करने के बाद ही समझ में आएगा। और ये 3 अटेम्प्ट से हम ले रहे हैं, जो पूरी हमारी टीम है इसमें, हम 3 अटेम्प्ट से ले रहे हैं, और पिछले अटेम्प्ट में तो हमने 2 राउंड लिए थे, बिफोर रिजल्ट अलग राउंड था, आफ्टर रिजल्ट अलग राउंड था, इतना मतलब लोग उसको फॉलो कर रहे थे, इतने बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिले हैं, और उसके रिव्यूज भी मैं पुराने जो मेरे पास होंगे अगर, तो मैं उसके शेयर करूंगा, आपको एक अंदाजा आएगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आपने ये कभी सुना नहीं है तो डेफिनेटली आई विल मेक सम वीडियो और समथिंग, और उसके सारे रिव्यूज जो हैं, उसके जो पॉजिटिव साइड्स हैं, जो भी बच्चों ने शेयर किए हैं पास्ट अटेम्प्ट्स में, वो मैं कलेक्ट करके एक आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक अंदाजा है कि आप टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो 1st August यानी कि कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें, सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस दोनों का आएगा, और ऑल सब्जेक्ट्स का होगा, आ रहा है ख्याल में, तो ये ध्यान दो। ये जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, फिर ग्रेजुअली वी कवर्ड द ओल्ड सिलेबस, देन ग्रेजुअली वी स्टार्टेड न्यू सिलेबस, तो ये एक जर्नी रही है, यहां तक आने में बहुत समय लगा है, 1.5 साल लग गया है, 1.5 साल। तो आज अगर हम इतना कुछ ले पा रहे हैं तो मुझे पूरी जर्नी याद आती है कि कहां मैंने एक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, और देखते देखते 15 सब्जेक्ट्स का अब हम ये ले रहे हैं कलेक्टिवली। ठीक है, तो इट्स अ बिग थिंग, लंबा समय, 3 महीने चलेगा, रोज हम आपको टारगेट्स देंगे, और आपको एट अ टाइम सिर्फ उस टारगेट के बारे में ही सोचना है, सारी बाकी चीजें कट ऑफ कर लेनी है कि कितना सिलेबस है, क्या है, सब हम आपको कवर करवा रहे हैं ना, 31st October तक ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सर स्पीड बरोबर है क्या,
जो काफी सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूं, काफी बच्चों को स्पीड नहीं समझ में आती है कि यार रोज कितना पढ़े कि हमारा एक डेडलाइन तक कंप्लीट हो जाए। तो ये मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं आपको दे रहा हूं कि हम जैसे दे रहे हैं, जो डोज आपको दे रहे हैं उतना लेते रहो, आप 31 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप टेंशन मत लो कि कंप्लीट होगा कि नहीं, बस आपका पूरा फोकस एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट आपको करना है कि डेली जो टारगेट दिया जा रहा है आई हैव टू एनी हाउ कंप्लीट इट। आपको पूरे अपने मोबाइल से, टीवी से, जितने भी जगह आप टाइम स्पेंड करते हो वहां से टाइम निकाल निकाल के टारगेट्स डेली आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इनिशियल में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि आपकी आदत नहीं है, हैबिट नहीं अभी आपको पढ़ने की उतना। धीरे धीरे, लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आप मोटिवेटेड हो टू क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव, डेफिनेटली विल फाइंड द वेज टू इंक्रीज योर टाइम ऑफ स्टडी, आई डेफिनेटली होप सो। ठीक है, तो आप टाइम निकालोगे, डेफिनेटली निकालोगे, और आप सेक्रीफाइसेस करोगे लाइफ में, और धीरे धीरे टाइम बढ़ा बढ़ा के आप इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, स्टार्टिंग में माइट भी आपके टारगेट्स कंप्लीट ना हो, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या स्टेज पे हो सकता है आपके टारगेट बहुत आसानी से भी कंप्लीट हो जाए अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो रखी है। तो डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेजेस पे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये टारगेट्स कहाँ देने वाला हूँ मैं, मेरे ऐप में अमित तल्ला क्लासेस ऐप में आपको ये मिलेगा। मैंने 4 बैचेस क्रिएट किए हैं जिसके बैच कोड्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपको वो बैच कोड डाल के बैच में ऐड हो जाना है, और उस बैच में फिर हम रोज जो भी वो ग्रुप के चारों सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप वाइज बनाए हैं। अब आप 2 ग्रुप वाले हो तो 2 बैचेस आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, एक ही ग्रुप है तो एक ही बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, और एक ग्रुप के अंदर 1 या 2 ही सब्जेक्ट्स हैं तो पूरा ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा। उतना कन्वीनियंस हम नहीं दे पाएंगे कि सब्जेक्ट वाइज बने, सब्जेक्ट वाइज मतलब 15 बैचेस कौन बना के ऑपरेट कर पाएगा, सोचो। तो ये कन्वीनियंट है, और पिछली बार भी हमने ऐसा ही मतलब 4 लेवल्स में उसको डिवाइड किया था, ठीक है, वैसा किया है। ठीक है, तो मेरे ऐप पे आएगा, मेरे ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। अगर आप ऑलरेडी मेरे ऐप पे हो तो आप बैचेस ऑप्शन में जाके बैच कोड डाल के ज्वाइन कर सकते हो। तो सर बैच कोड क्या है, बैच कोड बहुत ही लॉजिकल है, DT मतलब डेली टारगेट्स, OS मतलब ओल्ड सिलेबस, और ग्रुप 1 सब स्मॉल में है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में आपको ये लिखना है, DTOS ग्रुप 1, DTOS ग्रुप 2। ठीक है, सिमिलरली DTNS न्यू सिलेबस, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो बस पैटर्न बहुत कॉमन रखा है मैंने, तो आप ये बैच कोड डाल के आप उस बैच में ऐड खुद ही आपको होना है। ठीक है, मैं ऐड नहीं करूंगा, आपको खुद ही ऐड होना है। पहले ऐप डाउनलोड करना है अगर आप नहीं हो ऐप पे, और फिर उसमें बैचेस का ऑप्शन आएगा, बैचेस में जाके आपको प्लस का बटन दिखेगा, और प्लस बटन दबाना है, आपको एक कोड एंटर करना है और आप उसमें ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो ये है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपके बैच कोड्स हैं जो डाल के आपको उसमें एंटर होना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब कौन क्या सब्जेक्ट लेने वाला है, ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल है, कौन एफर्ट्स ले रहा है आपके लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट्स आप देख लो, ओल्ड सिलेबस में मैं क्या क्या लेता हूँ, कंपनी लॉ, कॉस्टिंग, कंपनी अकाउंट्स एंड CMSL, और न्यू में कंपनी लॉ, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, SLCM एंड FSM। ठीक है, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। फिर सेकेंड फैकल्टी जो इसमें है वो है मयूर अग्रवाल सर हैं। ठीक है, ओल्ड में वो लेते हैं ECL, और न्यू में लेते हैं EBCL एंड SBEC। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स न्यू में, 1 सब्जेक्ट ओल्ड में। फिर कल्याणी मैम है, कल्याणी शिरोडे मैम, ठीक है, ओल्ड में वो लेंगे ILGL, MCQ है, और न्यू सिलेबस में वो लेते हैं JIGL। ठीक है, सेम सब्जेक्ट है, नाम अलग है। और निहार लेगा, निहार वासा इज वन ऑफ माई स्टूडेंट एंड ही इज़ इन CS प्रोफेशनल एंड वर्किंग इन PwC, तो वो टैक्स लॉज लेने वाला है। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस भी कॉमन है, और ऑलमोस्ट दोनों MCQ ही है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है सिलेबस वाइज भी, तो वो टैक्स लॉज एंड GST आपका टारगेट्स वो लेने वाला है। ठीक है, तो ये है पूरा हमारा टीम, 4 लोग हैं हम। ठीक है, चारों आपके लिए मेहनत करने वाले हैं, 3 महीने तक आपको टारगेट्स देंगे डेली जो आपको फॉलो करने हैं, और आपका पूरा सिलेबस डिटेल्ड में। ठीक है, ये टारगेट्स जो हम देने वाले हैं ये मॉड्यूल से आने वाले हैं। ठीक है, मॉड्यूल से ही हम टॉपिक्स लेने वाले हैं, तो इट विल एंश्योर कि आपका कवरेज अच्छा हो। मेरे नोट से नहीं, किसी मतलब ऐसे दूसरे फैकल्टी के नोट से नहीं, ये मॉड्यूल से जो हर इंसान के पास है, सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी में भी आपके पास होगा ही होगा, और कवरेज काफ़ी अच्छा रहेगा, 80-90% मॉड्यूल आपका इसमें कवर होगा ऑलमोस्ट। मैं अपना बता रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट द अदर फैकल्टीज, वो आप उनसे पूछ सकते हो, कि मेरे लिए तो मैं बता सकता हूँ कि इवन इन कंपनी लॉ जैसा जो इतना लेंदी सब्जेक्ट्स है,
एसएलसी में सिक्योरिटी लॉ भी काफी लेंदी सब्जेक्ट है, तो वो भी मैं 80-90% ऑफ द मॉड्यूल आई विल कवर, और इसीलिए वो तीन तीन महीने तक चलता है। सोच के देखो, तीन तीन महीने नहीं तो क्यों चलेगा, क्योंकि वो इतना डिटेल में, इतने डेप्थ में सारी चीजें आपकी कवर होंगी। बस आपको रोज जो टॉपिक आपको दिया गया है वो आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ा हुआ है तो रिवाइज करना है, नहीं पढ़ा हुआ तो समझ के पढ़ना है। ठीक है, इट डिपेंड्स आप कौन से स्टेज पे हो, आपका कितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ये था डेली टारगेट्स। ठीक है, अब सेकेंड है जो मैं कर सेम तीन चार अटेम्प्ट से कर रहा हूँ इंडिविजुअली, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अमेंडमेंट नोट्स आने वाले हैं सर दिसंबर के। ठीक है, अमेंडमेंट नोट्स एंड अपडेटेड रिविजन नोट्स फॉर दिसंबर 2020, सारे जो मेरे सब्जेक्ट्स के हैं वो रिवाइज करके अमेंड करके आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे सर? 1 अगस्त, यानी कि कल, कल लगभग वो हो जाएगा, इवनिंग तक माइट बी मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा? मेरे ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में, जो ऑलरेडी मेरे ऐप पे उनको पता ही होगा। तो वो सारे अभी जो नोट्स हैं वो जून के हिसाब से, वो अगस्त एग्जाम के हिसाब से बने हुए थे, अब मैं उसको रिप्लेस करके दिसंबर के सारे नोट्स में अपडेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे ऐप में रहेंगे और सेम मेरे वेबसाइट में फ्री नोट सेक्शन में आपको अमेंडमेंट एज वेल एज अपडेटेड रिविजन नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको कल यानी 1 अगस्त तक इवनिंग में मिल जाएंगे। फिर सर अमेंडमेंट वीडियोज भी मैं डालता हूँ, तो वो भी आपको मिलेगा, कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज लॉ, ओल्ड न्यू में जो भी है। ठीक है, दोनों के वीडियोस, अमेंडमेंट वीडियोस भी आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये मिड अगस्त तक आएंगे। ठीक है, अभी मैं मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा और आई थिंक मिड अगस्त या एक एक करके माइट भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूं, मिड अगस्त तक ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर दूंगा या ठीक है तकरीबन उसी रेंज में, और वो मेरे ऐप पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसका एक प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं ऐप में, जैसे मेरा जून का भी क्रिएटेड था, सिमिलरली फॉर अमेंडमेंट्स आई विल क्रिएट अ प्रोडक्ट, 1 रुपी का रहेगा ऑलमोस्ट, मतलब फ्री है वो, फ्री रहेगा, 1 रुपी में आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, वो मिड अगस्त तक मेरे ऐप में आ जाएगा। ठीक है, यूट्यूब का अभी कोई प्लानिंग नहीं है, 1 रुपी है तो आप वहीं से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ आई हैव प्लान टू कीप इट एक्सक्लूसिवली ऑन माई ऐप। ठीक है, मिड अगस्त तक वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा और आप अगर मुझसे कनेक्टेड हो तो आपको हर जगह उसका प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट्स जो मैं लेता हूँ, रिविजन नोट्स जो मैं देता हूँ, अमेंडमेंट वीडियोज जो मैं देता हूँ, वो भी इसी महीने में आपको सब पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड इनिशिएटिव है। थर्ड इज ऑफ एमसीक्यू चैनल्स। ठीक है, टेलीग्राम पे हमारे एमसीक्यू चैनल्स हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसका हम दिसंबर के लिए फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो तकरीबन सितंबर में स्टार्ट होगा, क्योंकि लंबे समय तक आप नहीं ले सकते। एमसीक्यू कितने डालेंगे हम, सोच के देखो, अगर मैं आज स्टार्ट करता हूँ मैं नवंबर एंड तक कैसे ले पाऊंगा, इतने सारे एमसीक्यू मैं कहाँ से लाऊंगा। तो वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए ही चलता है। ठीक है, तो वो तकरीबन सितंबर में स्टार्ट होगा, मिड में, ऑलमोस्ट मिड सितंबर से लगभग नवंबर तक हम कोशिश करेंगे कि उसको ले पाए। तो लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2.5 से 3 महीना, ऑलमोस्ट 2.5 महीना वो आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से लेंगे हम, तो मैं लेने वाला हूँ सर जो मेरे एमसीक्यू सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्टिंग ओल्ड सिलेबस में मेरा एमसीक्यू सब्जेक्ट है, एंड न्यू में CMA FSM। ठीक है, इसके एमसीक्यू चैनल होंगे। कल्याणी मैम भी लेने वाली हैं, कल्याणी मैम ILGL लेंगे ओल्ड सिलेबस, न्यू में तो रिटर्न पेपर है तो वो नहीं आएगा, और निहार लेने वाला है टैक्स। ठीक है, ओल्ड न्यू दो बोथ कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टीम रहेगा फॉर एमसीक्यू, तो हम एमसीक्यू भी लेने वाले हैं। तो यही मैं ये वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि यू कैन रिलाई, टेंशन मत लो, हर चीज सही समय पे आने वाली है, हर चीज जो होती है वो हम सब करेंगे, बस आपका पेशेंस और आपका फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है। फेथ ही मिसिंग है आज जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है ना, एक चीज पे लोग टिक नहीं रहे, वो बहुत नॉर्मल सी बात है। इट्स नॉट दैट कि आप गलत बिहेव कर रहे हो, इट्स वेरी नॉर्मल कि जब सप्लाई ज्यादा होता है तो आप एक जगह पे टिकते नहीं हो। बस वही चैलेंज है आज हर स्टूडेंट के लिए कि वो एक जगह टिके, एक चीज को एंड तक फॉलो करे, और फिर उसका जो बेनिफिट मिलता है वो रिजल्ट में आपको 25 स्टेप को मिलेगा। ठीक है, तो ये है। और फिर मॉक टेस्ट भी देखो आएंगे, अब काफी लोग अभी से मॉक टेस्ट मांग रहे हैं। अरे अभी मॉक टेस्ट का टाइम है ही नहीं, आप प्रिपेयर्ड हो अच्छी बात है, पर हम एक ही ले सकते हैं, अभी ले लेंगे तो फिर आप नवंबर में फिर बोलोगे कि सही टाइम तो नवंबर है ना भाई, जब एग्जाम सर के ऊपर होती है नवंबर में तब टेंशन आता है, तब राइटिंग प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी होता है। अगर हम अभी ले लेंगे फिर हमको फिर से नवंबर में लेनी पड़ेगी, दो दो सेट हमारे से होंगे नहीं, क्लियरली बता रहा हूं, झूठ मैं बोलता नहीं हूं, आ रहा है ख्याल में? तो इसीलिए
आपको बस पेशेंस दिखाना है कि हाँ भाई अभी पढ़ने का टाइम है, रिटन का जो राइटिंग का जो प्रैक्टिस का टाइम है दैट विल कम इन नवंबर, अक्टूबर तक आपका डेली टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। इन नवंबर वी विल बी टेकिंग वन मॉक टेस्ट, मेरे सब्जेक्ट्स का मैं कमिट कर रहा हूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट्स का, मेरे जो टोटल 8 सब्जेक्ट हैं उनका मैं आपको एक मॉक टेस्ट विथ सजेस्टेड आंसर प्रोवाइड करूंगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। रिस्पेक्टिव फैकल्टीज को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो भी हाँ बोलेंगे और वो भी आपके लिए एक पेपर बनाएंगे विथ सजेस्टेड आंसर्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप ओल्ड न्यू के लिए मान के चलो कि आपको पूरा आपको मिलेगा, ठीक है, मेरे ऐप पे, ठीक है। तो वो नवंबर में आएगा, एक ही राउंड आएगा विथ सजेस्टेड आंसर आएगा, हम चेक नहीं करने वाले, क्लियरली बता रहा हूं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना है मेरे साथ, अनरियलिस्टिक रखोगे नुकसान आपका है, बुरा आपको फील होगा, नेगेटिव आप लिखोगे मेरे बारे में। तो एक्सपेक्टेशन रियलिस्ट रख रहोगे बहुत खुश रहोगे, हर चीज अच्छी लगेगी, मैं भी अच्छा लगूंगा, मेरे सारे इनिशिएटिव भी अच्छे लगेंगे अगर आपके एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हैं। तो बस रियलिस्टिक रहो और कुछ भी मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आपसे, ठीक है। तो एक ही राउंड आएगा विद सजेस्टेड आंसर्स होगा, नवंबर में प्रॉपर एक शेड्यूल आएगा और उस में आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो एवरग्रीन मेरा काम है जो मैं 2 साल से कर रहा हूं और एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये काम मैं नहीं करूं, डाउट सॉल्विंग, ठीक है, रोज 2 साल से कंटिन्यूस, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, ठीक है। तो डाउट सॉल्विंग भी अवेलेबल होगी मेरे सब्जेक्ट्स की, सिर्फ एक ट्विस्ट क्या है कि अब मैं मेरे ऐप पे ही ले रहा हूं, व्हाट्सएप पे मैं नहीं लेता हूं, ठीक है। तो जिनको भी रेगुलर डाउट्स पूछने हैं, ठीक है, एक आध रैंडम डाउट है ठीक है व्हाट्सएप पे पूछ लिया मैं बता भी देता हूं, पर रेगुलरली अगर आप व्हाट्सएप पे पूछोगे फिर मैं आपको अपने ऐप का लिंक दे दूंगा, भैया आप ऐप पे पूछो। मतलब मैं पूरा टाइम जो अभी दे रहा हूं मैं ऐप पे दे रहा हूं, सारे एक्टिविटीज भी ऐप पे ले रहा हूं, सब एक जगह कर रहा हूं, अलग 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 सब पूछते हैं तो वो नहीं हो पाता, इतना टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। तो चैट बॉक्स में आप पूछो, ऐप में मेरे डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं उस पर कि विद इन वन डे आई विल ट्राई टू आंसर यू विद इन वन डे, ठीक है। एक दिन तक ज्यादा फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, विद इन वन डे अगर रिप्लाई नहीं आता है देन यू कैन फॉलो अप, यू कैन सेंड द क्वेश्चन मार्क, यू कैन सेंड प्लीज रिप्लाई, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन विद इन वन डे अगर रिप्लाई नहीं आता है तो, ठीक है, इतना पेशेंस आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा। रेगुलरली आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, पूछ सकते हो, पर आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन भेजोगे फिर बार बार क्वेश्चन मार्क प्लीज रिप्लाई भेजोगे तो मैं नहीं दूंगा रिप्लाई, ठीक है। आप अगर सवाल पूछ रहे हो आपको जवाब देने के लिए उतना समय देना पड़ेगा, सामने वाले का एक इमेजिनेशन रखना पड़ेगा कि भैया वो टीचर है, वो रिकॉर्ड करता है, वो बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ डाउट सॉल्विंग उसकी जिंदगी में नहीं है, इट इज द वन ऑफ द एक्टिविटी जो हम लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है सर मस्त पैदा ही हुए हैं डाउट सॉल्विंग के लिए, दिन भर भेजो दिन भर रिप्लाई आएंगे, क्या मजा आ रहा है, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं सेल्फ स्टडी वाले। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5-5, 6-6 रोज के क्वेरीज एक एक बच्चों के भी सॉल्व करता हूं, बट प्रोवाइडेड यू कीप पेशेंस, यू बिहेव प्रॉपरली, यू यूज द वर्ड्स प्रॉपरली, रिस्पेक्टफुली बात करोगे, सारे रिप्लाई मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो ये था डाउट सॉल्विंग, ठीक है। तो इतना अभी डिसाइडेड है फॉर मिशन December 2020, कुछ और डिसाइडेड नहीं है। मैराथन सबके मन में होगा पर मैं बता रहा हूं कोई प्लानिंग नहीं है, मैराथन मैं लेता ही नहीं हूं और ना कोई अभी मेरी प्लानिंग है, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है, ये सब है जो मैं कमिट कर रहा हूं और आई होप आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपने सारे फ्रेंड्स को बताएंगे अगर आपको इसमें से कुछ यूजफुल लगता है तो, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सब है और तैयार हो जाइए, कल से ही हर चीज स्टार्ट हो रही है और पूरे एग्जाम तक सारी चीजें चलते रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो और शेयर कीजिए अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट लें। थैंक यू सो मच।